हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप एड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज 79,000 को लेकर बड़ी अपडेट आप सभी के सामने लेकर गया हूँ, जो कि है दोस्तों कट ऑफ मुद्दे पर सुनवाई के ऑर्डर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के सामने ऑर्डर अपलोड हो चुका है, दिखाने वाले क्या क्या लिखा हुआ उसके अंदर। साथ में तिवारी सर के सबमिशन को लेकर दोस्तों जो आपके सवाल है उसको भी यहाँ पे स्पष्टीकरण कर दिया जाएगा। और रही बात दोस्तों बीएड मुद्दे की सुनवाई को लेकर, उसमें क्या हुआ है उसमें भी सारी चीज़ें आप सभी को बता दी जाएंगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, सीखे आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते जाएं। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आप सभी के यहां सामने आ जाएगा। साथ में आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों आज की सुनवाई के अंदर, जैसा कि बीएड में बात करें तो बीएड को लेकर दोस्तों आज केस नहीं सुना गया है, क्योंकि अभी तक दोस्तों जो कोर्ट है बैठी हुई थी, कोर्ट उठ गई है, लेकिन दोस्तों आप सभी के केस का नंबर नहीं आ पाया। 50वें नंबर डेली कोजिस के अंदर लगा हुआ था बीएड का मुद्दा, लेकिन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 37 केस सुने गए डेली कोजिस के अंदर। और एक बार फिर से दोस्तों जो है बीएड मुद्दा आज नहीं सुना गया है। बाकी अगली तारीख क्या लगी है, कब लगी है, इसको लेकर दोस्तों शाम को मैं आप सभी को सारी की सारी अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल दोस्तों मैं आपसे को यहां बताना चाहूंगा तिवारी सर के सबमिशन को लेकर भी। तिवारी सर के सबमिशन यहां पर दाखिल करने की दोस्तों जो कोशिश बीटीसी की तरफ से की जा रही है, आज भी अभ्यर्थी दोस्तों कोर्ट रूम के अंदर पहुंचे हो, जल्द इसको दाखिल किया जाएगा। अगर आज शाम तक दाखिल हो जाता तो आप सभी को बता दिया जाएगा, या फिर दोस्तों जो भी अपडेट होगी वो भी आपको शाम को आकर के सारी चीजें बता दी जाएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज दोस्तों आप सभी के सामने ऑर्डर के अंदर चलते हैं, जो कि दोस्तों कट ऑफ मुद्दे पर सुनवाई का अपलोड हो चुका है। काफ़ी लोग दोस्तों इस ऑर्डर का इंतजार कर रहे, तो आप सभी के यहाँ सामने यहाँ पे ऑर्डर आ चुका है, कोर्ट नंबर 1/156/2019 आप सभी के सामने। दोस्तों थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, ऑनरेबल पंकज कुमार जायसवाल साथ में दोस्तों कर्नल सिंह पवार आप सभी के सामने है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने लिखा हुआ कि दोनों पार्टीज़ को यहाँ पर सुन लिया गया, जजमेंट डिजर्व तीसरी लाइन के अंदर लिखा हुआ है। साथ में दोस्तों जो अगर दूसरी लाइन की जजमेंट डिजर्व है, तीसरी में अगर देखें तो टिल डिलीवरी ऑफ जजमेंट इंटरिम ग्रांटेड अर्लियर शैल बी कंटिन्यू, मतलब दोस्तों अगर हम बात करें अंतरिम आदेश जो दिया गया था वो दोस्तों कंटिन्यू रहेगा, मतलब सरकार उत्तर कुंजी जारी कर सकती है अगर सरकार चाहे तो। यही दोस्तों मैंने थंबनेल के अंदर लिखा हुआ है, वो मैंने आप सभी को ऑर्डर के अंदर जो लिखा है वही बताया, ठीक है ना। तो यहां पे दोस्तों जजमेंट को आपको रिजर्व कर लिया गया, इस पर कोई दोराय नहीं है। साथ में दोस्तों ये भी कहा गया कि जब तक जजमेंट डिलीवर नहीं हो जाता है तब तक दोस्तों जो है सरकार चाहे तो उत्तर कुंजी जारी कर सकती है। अब डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, सरकार जारी करती है नहीं करती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो आने वाले समय में आप सभी को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों जो पिछली सुनवाई का ऑर्डर यहां पर अपलोड हो चुका है, डेट आप सभी के सामने 3/3/2020 आप सभी को दोस्तों देख सकते हैं। तो फिलहाल तो जजमेंट डिजर्व हो गया, अनिल तिवारी सर का दोस्तों सबमिशन यहां पे बाकी है, सरकार का भी अभी सबमिशन बाकी, उम्मीद करते हैं दोस्तों आज अनिल तिवारी सर का हो जाता है तो कल की डेट में दोस्तों सरकार की तरफ से सबमिशन दाखिल कर दिया जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों बीएड मुद्दे को लेकर आज सुनवाई नहीं हो पाई, मैंने आप सभी को बता दिया है। डेली कोजिस के अंदर 50वें नंबर पर केस लगा हुआ था, आज सिर्फ और सिर्फ 37 केस सुने गए, उसके बाद से जो दोस्तों कोर्ट है वो उठ करके चली गई है। बाकी इसको लेकर जो भी जैसी भी अपडेट निकली शाम के वीडियो के अंदर आप सभी को यहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी अभी अभी की लेटेस्ट अपडेट ऑर्डर तिवारी सर को लेकर। साथ में दोस्तों जो है आप सभी के सामने उत्तर कुंजी को लेकर मैंने बता दिया कि सरकार जारी कर सकती है, ये लाइन दोस्तों कोर्ट ने लिखी है वो भी आप सभी को बताई गई है। मैंने आपको नहीं बताया कि सरकार चाहती है कि नहीं चाहती, दोस्तों आने वाले समय के अंदर इस चीज़ को लेकर भी जो आप सभी को स्पष्टीकरण दे दिया जाएगा। दोस्तों ये थी तमाम अपडेट जो मैं आप सभी के सामने लेकर गया था, मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते हैं। सो गाइस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।